गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज द वर्क बुक ऑफ सेवन क्लास। नाउ वी आर कंटिन्यू चैप्टर 8। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन सम इम्पोर्टेंट, वी नो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट 8.1। सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी हैव कवर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, ओरल क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, ही हैज नॉट स्पेस टू राइट द आंसर, सो यू कैन राइट द आंसर ऑफ ओरल क्वेश्चंस इन योर मैथ्स फेयर रजिस्टर, और यू कैन राइट आंसर इन पेज दिस टाइप एंड पेस्ट योर पेज इन योर वर्क बुक। नाउ स्टार्ट द ओरल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? सो रेशियो से क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीन ऑफ रेशियो? सो सॉल्यूशन ऑफ ए रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ टू और मोर क्वान्टिटीज ऑफ सेम काइंड यूजिंग डिविजन। सो बाई द हेल्प ऑफ डिविजन मेथड वी कंपेयर टू और मोर देन नंबर्स। द सेकेंड इज, वाट इज फर्स्ट टर्म इन द रेशियो? सो वाट इज द फर्स्ट टर्म इन द रेशियो? रेशियो में फर्स्ट टर्म क्या होता है? सो आंसर इज, द फर्स्ट टर्म इन द रेशियो इज कॉल एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट एंड नेक्स्ट इज थर्ड, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट? सो आंसर इज, द सेकेंड टर्म इन द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज यूनिटरी मैटर? यूनिटरी मैटर क्या होता है? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अ क्वांटिटी बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द यूनिट क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, सपोज इन क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एनी रिक्वायर्ड ऑफ क्वांटिटी। सपोज द गिवन एनी कॉस्ट ऑफ एनी 3 थिंग्स एंड वी हैव टू फाइंड द 5 थिंग्स कॉस्ट। So to solve this matter is called unitary method. Question number 5, what do you mean by percentage? Percentage से क्या समझते हैं? So 5th is, a fraction that has 100 as denominator is called a percentage. So we write divide by 100 any number, so it is called a percentage. Question number 6, वाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सो फॉर्म कॉस्ट प्राइस इज द मनी पेड टू बाय एन आर्टिकल इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। द मनी, व्हेन वी बाय एनी आर्टिकल्स सो वी पे सम मनी, सो दिस मनी इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 7, वाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस क्या होता है? सो सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड टू द कस्टमर इज नोन एज सेलिंग प्राइस। सो मीन्स ऑफ दिस क्वेश्चन, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी किसी भी आर्टिकल, वैन वी गो टू एनी शॉप एंड परचेज एनी आइटम, सो वी द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम इज नोन एज सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हेन इज अ डील सेट टू बी इन प्रॉफिट? यानी हम कब कहेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है? सो प्रॉफिट कब होता है? क्वेश्चन नंबर 8 इज, इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इफ द CSP इज ग्रेटर देन CP ऑफ एन आर्टिकल। सपोज कोई भी थिंग्स है, कोई पेन है, 6 रुपीज़ का हमने इसको परचेज किया एंड 8 रुपीज़ का सेल कर दिया, सो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो वी हैव प्रॉफिट 2 रुपीज़ बिकॉज वी सब्ट्रैक्ट सेलिंग कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। सो 6 माइनस 8, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 रुपीज़, सो इट इज सेड दैट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज अ डील सेड टू बी अ लॉस? सो अपोजिट ऑफ प्रॉफिट,
So if the selling price is less than the cost price of articles, it is said that article is sold at a loss. Question number 10, the last question of all questions, what is interest? Interest kya hota hai? So the charge mode for money lent or borrowed is called the interest. So किसी भी अमाउंट को यूज करने में जो हम एक्स्ट्रा मनी से पेड करते हैं, सो दीज आर एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट. सपोज हमने किसी से 10,000 इंटरेस्ट पर लिए एंड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ एंड एनी टाइम हमने कुछ अमाउंट उसको एक्स्ट्रा दिया, सपोज 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़. सो 100 and 200 रुपीज़ इज द इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट इज कॉल टू 10,000 plus 200. सो स्टूडेंट, वर्कशीट 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. सो सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.